उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में लेडी डॉन के नाम से मशहूर चार्टर हिस्ट्री शूटर महिला अपराधी हसीना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ी गई आरोपी महिला पर 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। वहीं पुलिस को महिला के पास से नशीले दवाइयां और चरस भी बरामद हुई हैं। मझौला पुलिस ने मुरादाबाद के ड्रग इंस्पेक्टर के साथ उनकी संयुक्त टीम ने एक महिला को गिरफ्तार किया गया है, जो मुरादाबाद शहर में नशे के और सट्टे के कारोबार में लिप्त है, जिस पर थाना मझौला पर लगभग 2 दर्जन से अधिक 25 मुकदमे इसके विरुद्ध दर्ज किए गए हैं पहले से ही। ये लगातार इस तरह के नशे के कारोबार और जुआ सट्टा इस तरह के कार्यों में लिप्त रहती है। ये मझौला थाना क्षेत्र की एचएसबी है। इसको गिरफ्तार करके इसके पास से भारी मात्रा में इंजेक्शंस, कैप्सूल्स और चरस बरामद किया गया है। इसको गिरफ्तार कर लिया गया है, नियमानुसार विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। पीलीभीत के गांव टाटरगंज में उस समय हड़कंप मच गया जब पालतू जानवरों को ढूंढने गए 3 युवकों में से एक युवक की वन कर्मियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक के साथियों ने जान बचाकर परिजनों को इसकी सूचना दी। वन कर्मियों द्वारा युवक की हत्या कर देने की सूचना आग की तरह पूरे गांव में फैल गई और ग्रामीणों का गुस्सा वन विभाग के खिलाफ टूट पड़ा। ये प्रातः आज आ रहे थे लकड़ी एकत्र करके मृतक कुलवंत जी की वन कर्मियों पर आरोपित किया गया है कि उन लोगों ने गोली मार करके इनकी हत्या कर दिया है। मौके पे मौजूद हूँ, ये टाटरगंज के घटनास्थल पे, ये जहाँ पे आप बाइट ले रहे हैं। अभियोग 302 का पंजीकृत कर लिया गया है। 100 को कब्जे में लेकर परीक्षण हेतु भेजा गया है। वैज्ञानिक तरीके से विवेचना की जाएगी। गुण दोष के आधार पर जो दोषी वन कर्मी हैं उनका निर्धारण करके कुछ 3 लोगों का नाम भी बता रहे हैं जिन लोगों ने फायर करके हत्या की है, उनका गुण दोष के आधार पर विवेचना का निस्तारण किया जाएगा और उन पर कार्रवाई की जाएगी। सपोटरा में परशुराम सेना के तत्वाधान में तहसील स्तरीय सर्व ब्राह्मण समाज प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया जिसमें 26 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। मेरठ पुलिस ने लूट का खुलासा करते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से काफी ज्यादा संख्या में मोबाइल और अन्य उपकरण बरामद किए हैं। जनपद मेरठ में पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा था कि कुछ मोबाइल छिनैती की जो घटना हो रही थी उसके बाद चोर पकड़े जा रहे थे और बरामदगी नहीं हो रही थी उन मोबाइलों की। पुलिस टीम इसमें पिछले कुछ एक हफ्ता से काम कर रही थी और ये निकल कर सामने आया कि कुछ दुकानें हैं यहाँ पे 1 दर्जन के करीब जो चोरी की मोबाइलें खरीदते हैं और IMEI मशीन के माध्यम से उसका IMEI चेंज करके उसको दोबारा मार्केट में बेचते हैं। इस पर पिछले परसों जो है कुछ दुकानदारों से पूछताछ की गई और कुछ लोगों को ले आया गया और लगातार पुलिस उनसे वार्ता कर रही थी। इसके क्रम में आज 12 बजे 8 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से 75 के करीब मोबाइल फ़ोन, 12 मशीनें, हार्डवेयर जिनके माध्यम से मोबाइल चेंज की जा रही थी, दर्जन की संख्या में करीब लैपटॉप जिसमें मोबाइल के IMEI चेंज करने के सॉफ्टवेयर्स थे बरामद किए गए हैं। इन सभी 8 व्यक्तियों को जेल भेजा जा रहा है और इन सभी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। उसके साथ ही जो भी लूट की घटनाएँ हुई हैं उसमें इन सभी लोगों को 120B के तहत मुलजिम बनाया जा रहा है और इनको न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। बेसिकली जो लूट करते थे ये उनको अप्रोच करते थे और लूट छीनने वाले इनकी दुकानों पे जाते थे और जाकर इनको बेचते थे और ये उसको खरीदते थे उनसे। कुछ मामलों में ये ऐसा भी करते थे कि 500 रुपये लेकर IMEI चेंज करते थे। बहुत सारे नाम और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई हैं जो विवेचना का विषय है और समय आने पर आप लोग से भी इसको शेयर किया जाएगा।
40 के करीब मोबाइलें ट्रेस हो चुकी हैं, बाकी भी ट्रेस की जा रही हैं। वो सारी कार्रवाई अदालत का जो भी निर्देश होगा उसके अनुसार आगे पुलिस करके इन मोबाइलों को संबंधित व्यक्तियों तक पहुँचाएगी। नहीं, बिल्कुल पूरे जनपद में जो जहाँ ऐसा चल रहा है सारी जगह चिन्हित कर ली गई है और इस पर कार्रवाई की जाएगी। पार्टी कार्यक्रम में हिस्सा लेने मेरठ पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मीडिया से मुखातिब हुए, जहां उन्होंने कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने पर कहा कि 70 सालों के कलंक समाप्त हो गए हैं। शाहजहांपुर के मेडिकल कॉलेज में नवजात बच्चों को गैलरी में लिटा दिया गया, जबकि वहां मौके पर लगभग 15 बेड खाली पड़े थे। भी बेड्स हैं वो सारे के सारे ऑक्यूपाइड हैं और हर हॉस्पिटल को एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ बेड्स मिले दिए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू। तो अच्छी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ के जितने भी डॉक्टर्स हैं, जो कोई भी तकलीफ में आ रहा है, जिस किसी को भी परेशानी है, हमारे डॉक्टर्स हर समय 24/7 उनके लिए हेल्प करने को तत्पर हैं और वो वहाँ पर उनकी मदद कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अब क्या करें, उसमें हमारे पास अगर बेड्स नहीं है, हाँ बस हम ये कर सकते हैं कि जब हमारा MCH बिल्डिंग सही नया खुल जाता है और उसमें हमारे पास नए बेड आ जाएंगे तो ये जो समस्या आपको दिख रही है खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। तब तक अगर डॉक्टर्स उनके साथ एडजस्ट कर रहे हैं कि पेशेंट को पूरी की पूरी सहूलियत मिल सके। तीन दिन से आप यहाँ बच्चे को बाहर लेकर के बैठी हुई हो? अच्छा, दो दिन हो गए। शाहजहांपुर में ITI की छात्राओं ने संस्थान के स्टाफ पर एग्जाम में पास कराने के नाम पर छात्राओं के शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है। दर्जनों ITI की छात्राओं ने संस्थान के शिक्षकों के शोषण की शिकायत DM से की है। भारत समेत पूरी दुनिया में ईद अल अजहा त्योहार मनाया जा रहा है। ये पवित्र त्यौहार कुर्बानी के त्यौहार के रूप में जाना जाता है। वहीं यूपी के शाहजहांपुर में भी नमाजी बड़ी ईदगाह में हजारों की संख्या में इकट्ठे हुए और खुदा के सजदे में अपना सर झुकाया। बड़े पुरसकून तरीके से ईद की नमाज अदा कर रहे हैं यहाँ के शहरी, और इस मुबारक मौके पर मैं शाहजहांपुर के सभी निवासियों को ईद की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। यही अपील करूंगा कि लोग अमन चैन से त्यौहार मनाएं और भाईचारे का जो सौहार्द बना हुआ है शाहजहांपुर, जिसके लिए जाना जाता है, वो हमारा मकतब कायम। किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की गई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे ईद के मौके पर? आज बकरीद एवं श्रावण सोमवार के शुभ अवसर पर जनपद वासियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और सभी को अपील करता हूं कि भाईचारे के साथ इस पावन पर्व को मनाएं और इस शुभ अवसर पर पूरा जनपद में पुलिस का व्यवस्था समुचित व्यवस्था की गई है। जगह जगह पुलिस ड्यूटी लगाए गए हैं, दिन भर सतर्कता बरती जाएगी और त्यौहार को सकुशल संपन्न कराया जाएगा। सावन महीने का आखिरी सोमवार होने की वजह से कांवड़ियों का जल सैलाब बदायूं में देखने को मिला। आपको बता दें कि दूर दूर से कांवड़िये गंगा घाट कछला पर जल भरने आते हैं, जहां भोलेनाथ प्रकट हुए होते हैं वहां चढ़ाते हैं। वहीं आज पुलिस प्रशासन भी सतर्क दिखा। भोले के भक्तगणों ने कांवड़ियों के लिए जगह जगह भंडारे की व्यवस्था भी की थी। इसी क्रम में पूर्व MLC जितेंद्र यादव, दातागंज विधायक राजीव कुमार सिंह उर्फ भैया, DCB चेयरमैन उमेश राठौर ने भी विशाल भंडारे का आयोजन किया। सर, आज आपने एक विशाल भंडारा किया है, तो आज कौन सा भंडारा है और आप जो है श्रद्धालुओं को लास्ट सोमवार क्या संदेश देना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? आज ये 7वां भंडारा है और हम लोगों ने जब यहाँ शुरुआत करी थी, हर साल जो है भंडारा बाबा भोले की कृपा से बढ़ ही रहा है। जैसे अभी 11 क्विंटल दूध की खीर और 11 ही क्विंटल आटा, ये भंडारा हो रहा है और मैं समझता हूँ कि बाबा भोले की हमारे बदायूं के निवासियों पर कृपा बनी रहे। बाबा भोले से मेरी ऐसी कृपा है कि अगले जो सोमवार सावन जो आए और झूमता हुआ आए और हमारे जो बदायूं के जो भाई हैं वो खुशहाल रहें। ऐसे
अमरोहा में ईद अल अजहा के पावन मौके पर ईदगाह पर ईद की नमाज अदा हुई। इस मौके पर नमाजियों ने देश की तरक्की और कौम की तरक्की के लिए अल्लाह से दुआ की कामना की। आपको बता दें कि देश भर में ईद का त्यौहार मनाया गया। इसके साथ साथ अमरोहा में भी ईदगाह पर मुसलमान समुदाय के लोग नमाज अदा करने के लिए बड़ी तादाद में पहुंचे और उन्होंने अल्लाह से देश की और कौम की तरक्की के लिए दुआ करने के साथ साथ अमन शांति की दुआ की। बाड़मेर जिले की ग्राम पंचायत पांधी का निवाड़ में मनरेगा योजना के बिना ही कार्य किए रोजगार के मस्ट्रोल जारी कर दिया गया, जिसमें ग्राम सेवक और विकास खंड अधिकारी की मिलीभगत से सरकारी बजट का दुरुपयोग किया गया। इस मामले में जनता ने विकास अधिकारी को ज्ञापन देकर जांच की मांग की है। भारत समेत पूरी दुनिया में ईद अल अजहा का त्यौहार मनाया जा रहा है। ये पवित्र त्यौहार कुर्बानी के त्यौहार के रूप में जाना जाता है। यूपी के सीतापुर जिले में ईद उल अजहा बड़ी ही शांति और प्यार मोहब्बत से मनाई गई। यूपी के फारुखाबाद में दगामार वाहन ने 42 साल के शख्स की जान ले ली। बताया जा रहा है कि दगामार वाहन ने सियाराम को जोरदार टक्कर मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वही हादसे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शख्स को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज जांच शुरू कर दी। खबर राजस्थान के बाड़मेर से, जहां ग्राम पंचायत खारी के लोगों ने नई ग्राम पंचायत का विरोध किया है। लोगों का कहना है कि नई ग्राम पंचायत दूर है और उन्हें वहां आने और जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यूपी के कुशीनगर में पैसों के लेन देन को लेकर युवक पर हमला करने का मामला सामने आया है। हमला करने के बाद तीनों हमलावर मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं इस घटना से गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दी और आरोपियों को गिरफ्तारी करने के लिए मांग की है। जहांगीराबाद में शांति पूर्वक और हर्षोल्लास के साथ ईद का त्यौहार मनाया गया। आला की रस्म में लोगों ने हजारों की संख्या में बकरों की कुर्बानी दी। ईदगाह पर हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और नमाज अदा कर देश में अमन चैन की दुआ मांगी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में आज ईद उल अजहा की नमाज ईदगाह में अदा की गई, जिसमें लाखों की तादाद में लोगों ने नमाज अदा की। लोगों ने देश में अमन चैन की दुआ भी मांगी। नाम है आपका? मेरा नाम गुलाम मोहम्मद है। अच्छा गुलाम मोहम्मद जी, आज बकरा ईद का त्यौहार मनाया गया है, किस तरह कैसे ये त्यौहार मनाया गया है? ये हमारे मुसलमानों में, तमामी हिंदुस्तान के हमारे मुसलमान भाई इस ईद उल अजहा के त्यौहार को बहुत ही अच्छे मोहब्बत के साथ में मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हम हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की सुन्नत को यानी जो हम पर कुर्बानी वाजिब अपनी जानिब से जानवरों की कुर्बानी पेश करते हैं, जो मालिक निसाब इंसान हुआ करते हैं, और बड़ा हमारा हिंदुस्तान अच्छा देश है जो हमारे मुरादाबाद के कप्तान हैं। सपोटरा में श्रद्धालुओं ने मंदिर में विधि विधान से मंत्रोच्चार के साथ भगवान शंकर का जलाभिषेक कर पुण्य लाभ लिया। शिव के जयकारों के साथ 1100 घड़ों के जल से शिव का अभिषेक किया गया। जहांगीराबाद क्षेत्र के गांव सांकनी में एक निशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें शारदा अस्पताल नोएडा से आई 6 सदस्यीय डॉक्टर की टीम ने लगभग 200 मरीजों को चेकअप किया। वहीं मुफ्त दवाइयां भी वितरित की गई।